बड़ी खबर गुजरात के वडोदरा से है, जहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर बवाल हुआ है। दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। फतेहपुरा गरनाला पुलिस चौकी के पास शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। पुलिस हालात पर नजर रखे हुए है। जिले के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस घटना के पीछे किसकी साजिश है, इसका पता लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अहमदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त वहां पर क्या हालात है? हम देख सकते हैं तस्वीरों में भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती है। इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बड़ोदरा का फतेहपुरा इलाका है। जब आज रामनवमी की शोभा यात्रा यहां से गुजर रही थी, तो एक नाला है उसके पास से जब यात्रा गुजर रही थी, तब उस दौरान इस यात्रा पर पथराव हुआ और पथराव में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इनको अस्पताल भेजा गया है और जैसे ही सूचना इसकी पुलिस को मिली तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और पूरे इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन रामनवमी का जो इतिहास रहा है, पिछले साल भी गुजरात में दो जगहों पर रामनवमी के दौरान इस प्रकार की घटनाएं सामने आई थी और प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद था। लेकिन बावजूद इस बार फिर बड़ोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है, तो इस विषय की जांच की जा रही कि वो कौन लोग हैं जो इस ऐसे आयोजनों पर हमेशा पथराव करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष गुजरात के ही एक हिम्मतनगर अरविंद, लेकिन अरविंद सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस मुस्तैद थी, पिछले साल भी इस तरह का हादसा हुआ था, तो फिर इस बार फिर से वही सब चीजें क्यों रिपीट हो गई? इस तरह के हालात तो वहां पर नहीं होने चाहिए थे। देखिए, शहर में अकेले एक शहर में नहीं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में आज रामनवमी की शोभा यात्राएं निकल रही थी और पिछले साल जिन इलाकों में शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ था उन जगहों पर पुलिस ने मुस्तैदी की थी। बड़ोदरा शहर उसमें बाकी रहा था और आज उस जगह पर भी पथराव हो गया, तो बड़ोदरा इतना चूंकि संवेदनशील है बड़ोदरा का ये इलाका, यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं अमूमन होती रहती हैं, लेकिन इस बार यहाँ कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर रह गई है पुलिस प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से चूक शायद रही है, यही वजह है कि यहाँ पर पथराव हुआ है। अब पुलिस अधिकारी मौके पर हैं, मामले की जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसे आयोजनों पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। जी, शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।